हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है राजा और काना घोड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मजेदार कहानी से। एक राजा के पास एक हष्टपुष्ट और सुंदर घोड़ी थी। वे उससे बहुत प्रेम करता था और उसका विशेष ख्याल रखता था, जिसका कारण था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी और ये घोड़ी की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादार बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसने एक बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा भी हष्टपुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी कि वह जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहा करता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, माँ मैं काना क्यों जन्मा? तो घोड़ी ने बताया, बेटा जब तुम मेरे गर्भ में था तो उस समय एक दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाबुक मार दिया। शायद इसी कारण तो काना जन्मा है। यह सुनकर काने घोड़े का मन राजा के प्रति कुशोध में भर उठा। वह बोला, माँ राजा ने मुझे जीवन भर का दुख दिया है, मैं उससे इसका प्रतिशोध लूंगा। घोड़ी ने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रतिशोध की भावना अपने हृदय में मत ला। माँ के समझाने पर भी काने घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा और बहुत जल्द ये अवसर उसे मिल भी गया। राजा युद्ध क्षेत्र के मैदान में काने घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पड़ोसी राजा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिरा। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसी समय उसी हालत में छोड़कर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपनी पीठ पर बिठाकर उसके प्राण बचा लिए। वह चकित था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने उसे काना बनाया उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई, क्यों उससे प्रतिशोध नहीं लिया? ये प्रश्न उसने घोड़ी से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, तो आखिर बेटा किसका है? मेरा ना, मेरी छतर छाया में तो पला बड़ा है और जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं, वो तेरी रग रग में रच बस गए हैं। उस संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता था। वफादारी तेरे खून में है बेटा, तू वफादार ही रहेगा। तो दोस्तों, संस्कारों का सबसे बड़ा आधार परिवार है, जहाँ से संस्कारों की नींव पड़ती है। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपने परिवार को अच्छे संस्कारों की नींव दे। अच्छे संस्कार के परिवार का व्यक्ति संस्कारी ही बनेगा और अपने कर्मों से समाज में सदा सम्मान पाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।